स्टार्ट क्या चलो तुम्हारा नेचर ऑफ फ्रूट है ना, इसी यही टॉपिक है ना अभी स्टार्ट अपना, जो आगे के भी क्वेश्चन है लगभग इसी के ऊपर डिपेंडेड है अपने नेचर ऑफ फ्रूट वाले। कितने टाइप के नेचर मिलते हैं रूट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? तीन टाइप के, वो भी तीनों की कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? अरे कब मिलता है, मैंने कंडीशन बोला डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। तो रूट्स क्या मिलेंगे? मतलब डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो। और डेल्टा मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर है ना। ये ए बी सी क्या है? कोएफिशिएंट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसमें वेरिएबल्स होंगे। सी क्या रहता है यहाँ पे? कॉन्स्टेंट। वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। डेल्टा की वैल्यू जीरो है तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड। जीरो से बड़ा रहा तो मतलब पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मतलब वन बाय टू चलेगा, थ्री बाय टू, फोर बाय फाइव, सिक्स बाय नाइन, माइनस वन बाय टू। निगेटिव आए तो नहीं चलेगा, ठीक है। डेल्टा लेस देन जीरो तो रूट्स क्या रहेंगे? रियल एंड। लेस देन जीरो में रियल एंड अनइक्वल रहते हैं ना। मैंने बोला ना लेस देन जीरो रहा तो नॉट रियल। क्या रहता है? नॉट। अब रियल नहीं रहता मतलब अंडर रूट के अंदर कौन सा साइन आएगा? माइनस का। जैसे मैंने माइनस अंडर रूट फोर लिखा, क्या लिखा? माइनस अंडर रूट फोर। तो ये रियल नंबर है क्या हमारा? नहीं है। माइनस बाहर रहा तो बोल सकते कि ये मेरा रियल नंबर है, बट रूट के अंदर अगर माइनस साइन है तो रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं होता। ये जो भी नंबर है इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो तुम कौन से क्लास में पढ़ोगे? इलेवेंथ में। कौन से क्लास में? अभी उसके बारे में सोच के हमारा फायदा नहीं है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी के ऊपर है, नेचर ऑफ फ्रूट के ऊपर। क्वेश्चन दिया रहेगा के वैल्यू निकालो, एम निकालो, एस जो भी बोला, पी निकालो, आर निकालो। कंडीशन यही रहेंगी कि रूट्स क्या रहेंगे? रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या रहेंगे? अब रूट्स रियल एंड इक्वल है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो डेल्टा की वैल्यू क्या लूंगा मैं? जीरो। कितनी लूंगा? डेल्टा की वैल्यू जीरो लूंगा। मतलब किसकी वैल्यू जीरो है? पी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसको कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और इसमें क्या कर देंगे हम लोग? पटक देंगे। उसमें उस क्वेश्चन में बोलेगा कि के की वैल्यू निकालो। क्या निकालो? और के या तो एक्स का कोएफिशिएंट रहेगा या फिर एक्स का रहेगा या फिर कांस्टेंट के जगह रहेगा। कहीं ना कहीं के प्रेजेंट रहने वाला है। अब ये एक एक्स स्क्वायर के जगह रहेगा तो ए के जगह रखूंगा मैं, एक्स के जगह रहेगा तो बी स्क्वायर के पास रखूंगा, और कांस्टेंट रहा तो सी के पास। कहीं ना कहीं रहेगा ही, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो पढ़ो क्या है क्वेश्चन फर्स्ट वाला। द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। नीचे दिए हुए जितने भी है सबके रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल है। फर्स्ट वाला इक्वेशन दिख रहा है क्या है? 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 20 इक्वल प्लस 12 इक्वल टू। इसके भी रूट्स क्या है? क्या है? रियल एंड। इसके भी रूट्स क्या है मेरे? रियल एंड इक्वल। रियल एंड मतलब डेल्टा क्या है? जीरो। देखो फर्स्ट वाला गिवन इक्वेशन इज क्या है? 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इक्वल टू। अच्छा ये बात बताओ, के की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव लूंगा कि निगेटिव लूंगा? निगेटिव नहीं ले सकता हूँ, तो कुछ भी आए चलेगा, दो भी आए तो भी चलेगा, एक भी आई तो भी चलेगा। कंपेयर करो इसको, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, ठीक है, किससे? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू हियर। ए कितना है हमारा? बी कितना है और सी कितना है? 12। गिवन दिया है हमको रूट्स ऑफ रियल एंड इक्वल, ये गिवन दिया है। ये देखो क्वेश्चन में उसने बोला था, क्या बोला है? रियल एंड। अभी बताया रियल एंड इक्वल मतलब डेल्टा कितना रहेगा? देयरफॉर डेल्टा किसके बराबर रहेगा? जीरो के बराबर रहेगा। तो देयरफॉर डेल्टा मतलब किसकी? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके बराबर रहेगा? अब ए बी सी की वैल्यू है हमारे पास, इसमें पटक दो। ए बी कितना है? तो के स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर, फोर ए कितना है और सी कितना है? इक्वल टू क्या हो गया? के स्क्वायर जैसे का फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व जा वन फोर्टी इक्वल टू क्या हो गया? 144 का साइन क्या है?
माइनस उधर जाके क्या होगा, साइन चेंज कर देते हो तो साइन चेंज होता है नंबर का। अब क्या है यहाँ पे स्क्वायर को हटाना है तो टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों साइड की एक साइड ऑन बोथ ब्रिगेड, डायरेक्ट लिखू मैं k इक्वल टू क्या प्लस माइनस अंडर रूट 144। हाँ प्लस माइनस क्यों लिया मैंने, हमको पता है क्या कि 144 प्लस 12 का स्क्वायर है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है और प्लस 2 का स्क्वायर, तो अगर मैंने अंडर रूट के अंदर 4 डाला जब वो बाहर निकलेगा तो प्लस भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 दोनों क्यों ले रहते हैं, तो इसलिए जब भी स्क्वायर रूट लेना है तो प्लस माइनस साइन लगाने का है। अगर उसने बोला रहता कि के मेरी पॉजिटिव ही होना, के क्या होना, तो मैं के की वैल्यू से प्लस 12 लेता, क्या लेता, बट उसने वहां पे मेंशन किया है क्या, तो दोनों लेना है हमको। देयरफॉर के इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 किसका स्क्वायर है, तो बाहर आए तो क्या हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या होगी 12 नहीं प्लस माइनस 12, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज प्लस माइनस, समझा इसी था ना। चलो उस हमको सॉल्व करके चेक करना है क्या, नहीं उसने बोला है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि रूट्स क्या रियल एंड इक्वल, अगर किसी को लग रहा है तो वहां पे क्या करो, देख करो मैं बताता हूँ, के की वैल्यू कितनी है हमारी, एक प्लस 12 है ना, क्वेश्चन में के कहा था वाई के पास, कहा था वाई के पास था ना के, यहाँ पे कितना रखोगे और फिर चेक कर, फिर सॉल्व करके चेक करना कि डेल्टा जीरो आता कि आएंगा ही, क्योंकि उसने बोला है, क्योंकि उसने नहीं आएगा तो मतलब हमारा वैल्यू गलत है, नहीं आएगा तो मतलब हमारी वैल्यू, समझा। हाँ ठीक है, सेकंड क्या था क्वेश्चन इसमें का, क्या सेकंड, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स, यही है के एक्स, तुम्हारे पास नहीं है ना, अरे दो दो किसके पास है, एक दे दो ना उनको, तुमने भी नहीं लाया ना, बैल ठहरे हम, अरे वही ना गिवन इक्वेशन इस क्या है के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है क्या पर हो फ्यूचर में हो जाएगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे क्या करूंगा इसको मल्टीप्लाई करूँ, क्या हो जाएगा हमारा के एक्स टू स्क्वायर, अच्छा दोनों को जाएगा कि एक को जाएगा, कि क्या है ब्रैकेट है, तो माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, समझा। अब फिर से इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अब एक इसमें याद रखना ना के की एक अलग मेथड से सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू एक ही मिलेंगी, और एक दूसरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू दो मिलेगी, देखना हियर ए कितना आया हमारा, बी कितना आया और सी कितना आया, इसमें भी गिवन ही है ना वही रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डेल्टा क्या है हमारा जीरो है, डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया इक्वल टू जीरो, बी कितना था हमारा, बी कितना है माइनस ये फोर जैसे का, ए कितना है, सी कितना है इक्वल टू क्या हो गया, अब ये स्क्वायर दोनों को जाएगा कि एक को, अच्छा अब बताना ये स्क्वायर दोनों को जाएगा कि एक को जाएगा, दोनों को जाएगा कि एक को, सेपरेट होगा क्या, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, सेपरेट तभी होगा जब बीच में क्या क्या साइन होगा, माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो मल्टीप्लाई रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अभी निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, तो फोर के स्क्वायर हो जाएंगे माइनस सिक्स फोर जा 20 इक्वल टू, अब देखो क्या करोगे, ये माइनस उधर जाके क्या कर रहे होता है प्लस, फिर कैसे के क्या हो जाएगा, होता है कट कि नहीं होगा, मैंने किया 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k लिखा, फिर ये एक के से एक के क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएंगी 6, कितनी आएंगी
बट इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है हमको, ठीक है। अब ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर क्या क्या कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, फोर के निकल रहा है, फोर निकाला बाहर, यहाँ पे कितने के है, इधर निकाला बाहर, कौन सा साइन निकाला, तो जो भी आप ब्रैकेट के अंदर में इन कॉमन इसमें से निकालने के बाद जो भी बचेंगे उनका साइन चेंज करूंगा, क्योंकि जब भी तुम जितने टर्म में से कॉमन साइन प्लस निकालते हो तो उन टर्म का साइन कभी भी चेंज नहीं करना। तो फोर के टेबल में फोर कितने टाइम्स आता है, के से के को डिवाइड किया तो के बचेगा, फोर से 24 को डिवाइड किया तो कितना बचेगा, और के से के कट हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, अब दो नंबर का मल्टीप्लाई कितना है, तो इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, जीरो होगा, बट पता है क्या कौन जीरो है, तो हम दोनों की वैल्यू क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, ठीक है। तो फोर के इक्वल टू क्या हो जाएगा, और के माइनस सिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या हो गया, जीरो बाय फोर, तो के इक्वल टू क्या हो गया, के इक्वल टू क्या हो गया, देयरफोर द वैल्यू ऑफ के इज जीरो एंड, समझा कि नहीं। थर्ड है, क्या है थर्ड, हाँ इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज फाइंड एम बोला है ना, रूट्स उसके क्या होंगे, रियल एंड क्या है, एम इंटू एम माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस टू एम माइनस ट्वेल्व इक्वल टू, यही है ना। अच्छा बताओ इसमें वेरिएबल कौन है और कोएफिशिएंट कौन है, और कोएफिशिएंट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब ऐसा वेरिएबल जिसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, तो हाईएस्ट पावर किसका टू दिख रहा है, एक्स का, तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे, एम माइनस ट्वेल्व क्या हो गया, कोएफिशिएंट, एम भी वेरिएबल है, एम भी वेरिएबल, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट टू इंटू एम माइनस ट्वेल्व है, कोएफिशिएंट की बात किया तो इसको छोड़ के जो दिख रहा है उसको छोड़ के जो, और सी क्या हो गया, कंपेयरिंग अबोव इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हियर, ए कितना है हमारा m माइनस ट्वेल्व, बी कितना आया 2m माइनस ट्वेल्व एंड सी कितना आया, ठीक है। गिवन क्या दिया है, रूट्स आर रियल एंड, रियल एंड इक्वल दिया है ना, तो डेल्टा कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो गया, तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया, है ना। अब वैल्यू पटक देंगे, बी कितना है 2 ब्रैकेट m माइनस ट्वेल्व का होल स्क्वायर, सही है, क्योंकि बी स्क्वायर दिया था 4 जैसे का, a कितना है m माइनस ट्वेल्व, c कितना है इक्वल टू क्या हो गया, अब ये स्क्वायर दोनों को जाएगा तो मैं 2 को स्क्वायर दे दिया तो कितना हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा m माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर, सही है, 4 टू था, और इधर क्या बच गया m माइनस ट्वेल्व इक्वल टू, समझा या इतना, फिर से क्या कॉमन दिख रहा है, 4m माइनस m माइनस 12 m माइनस 12 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे कितना है, इधर कितना है 4 के टेबल में 8, तो 4 कॉमन ले सकता हूँ, प्लस साइन कॉमन निकालूंगा, क्या निकालूंगा, ऐसे दो टर्म रहा तो कुछ भी साइन निकालो आंसर आने वाला, माइनस भी निकालोगे तो भी आंसर आएगा, प्लस भी निकालोगे, ठीक है, तो प्लस ही निकालना, 4 निकाला कॉमन, और क्या कॉमन निकाला मैंने, m माइनस 12 क्या निकाला, अब ब्रैकेट में क्या बचा मेरे यहाँ पे 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स, तो 1 लिखूं या ना लिखूं, मतलब एक ही है, m माइनस 12 बचेगा, कितने टाइम्स आएगा 4 के टेबल में, और m माइनस 12 बाहर चले गया, यहाँ पे क्या बचा, 0 बचेगा क्या, केवल, अरे जो भी तुमने कॉमन निकाला है उसी से इन टर्म को डिवाइड करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तो 4m माइनस 12 को मैंने 4 अच्छा स्क्वायर डिवाइड किया, ठीक है, 4 से 4 क्या हो गया, 1 से 1 क्या हो गया, क्या बचा, क्या लिखा मैंने, बचा m माइनस 12, अब इस दूसरे टर्म को भी डिवाइड करो, m माइनस 12 अपॉन 4m माइनस 12, ये सॉरी m माइनस 12 m माइनस 12, 4 1 जा 4 2 जा, क्या बचा है,
बचा माइनस टू, ऐसे करना पड़ता उसको। अरे टू इंटू वन है वो, 2.1 नहीं है। मैंने बोला 12 बाहर गया तो कुछ नहीं बचा, तो ये 8 बाहर गया इसके साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है, सॉरी m माइनस 12 बाहर गया, 4 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, और m माइनस 12 को m माइनस 12 से डिवाइड किया तो कितना आएगा आंसर, 1, तो 1 लिखा था वहां पे मैंने। अब ये फिर से एक नंबर हो गया और एक ये नंबर हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है, दो नंबर का मल्टीप्लाई आंसर 0 तभी आता है जब दोनों में से कोई एक क्या होगा, 0। बट ना ये 0 है और ना ये 0 है, हमको ऐसा पता है क्या, तो हम दोनों की वैल्यू किसके बराबर मानेंगे, तो 4m माइनस 12 इक्वल टू क्या ले लिया, और m माइनस 12 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके तो 0 बाय 4 कितना हो जाएगा, 0 हो गया, और ये m माइनस 12 जैसे का ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, ये माइनस उधर जाके m कितना आ गया हमारा, और यहाँ पे m माइनस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0, तो m इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस उधर जाके कितने वैल्यू आई, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज 12 एंड समझा, कॉमन नहीं समझा, फैक्टराइजेशन कैसे समझा तुमको, समझता क्या नहीं पूछने का ना, ट्यूशन पैसे उसको दे रही हो, ट्यूशन को दे रही हो, 4m माइनस 12 का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या 8m माइनस 12, ठीक है, 4 के टेबल में 8 आता है ना, m माइनस 12 m माइनस 12 भी है, तो मैंने 4 यहाँ से क्या निकाला, कॉमन क्या निकाला, और यहाँ पे m माइनस 12 है इधर भी क्या है, तो m माइनस 12 भी क्या निकाला, कॉमन, मतलब टोटल मैंने क्या कॉमन निकाला, 4m माइनस 12, तो जितने टर्म्स से तुमने कॉमन निकालना उन टर्म्स को इनसे क्या कर देना, डिवाइड, और जो जो बचेंगे उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना, ये इन पहले इसमें से निकाला तो इन दोनों को डिवाइड किया, तो 4 से 4 कट, यहाँ पे m माइनस 12 का पावर कितना है, इधर कितना है, तो 1 से 1 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, अब इसको डिवाइड करो तो 4 टू जा और m माइनस 12 m माइनस 12 क्या हो जाएगा, कट, कुछ बच रहा है क्या, सिर्फ क्या बचा, बस उसके आगे दो नंबर का मल्टीप्लाई वगैरह किए, समझा इतना कि नहीं, पक्का, इसके ऊपर से नेचर ऑफ फ्रूट के अगर बड़े क्वेश्चन पूछेगा तो इसी रिलेटेड से पूछता है, हाँ कौन सा, अरे इसके साथ सॉल्व करना पहले उसको, ये माइनस सी पी सी के साथ है, इनके साथ है क्या माइनस में हो, अरे कोई भी टर्म को, हाँ हाँ ये बोल रहा है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, माइनस टू सी पी सी के साथ है, एम माइनस 12 के साथ, कोई एक टर्म को तो दूसरे साइड अगर लेके जाना है तो चेक करना पड़ता ना, पहले पूरे टर्म के साथ क्या होना चाहिए, प्लस में माइनस में मल्टी, अगर ऐसा रहता अब ये टू डिवाइड में तो है ना, तो इसका मतलब इधर जाके क्या हो जाना चाहिए, बट होगा क्या, हो नहीं होगा, क्योंकि ये सबके डिवाइड में, तो सेम वो माइनस टू सिर्फ किसके साथ, माइनस में एम माइनस 12 के साथ, किसके साथ है, और एम माइनस 12 के साथ ये टर्म किस में है, मल्टीप्लाई में, इसलिए किससे, अरे मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर, मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर वाली स्टेप जाएंगे ना, मल्टीप्लाई में था तो सेपरेट किए, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई में, अरे ब्रैकेट है तो, लेकिन बाहर ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, ऐसा लिखा रहता तब क्या करता तू, ऐसा लिखा है वो तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या, वो आप बता रहे कि भैया टू इसके साथ किस में है, आप क्या बता रहे, अब ये बता रहे क्या, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई में हो, ये छोटे छोटे देखो डाउट निकलते बैल जैसे, हाँ फिर क्या, इतने दिन से कहाँ सोया था, तो समझा नहीं आता, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अल्फा अभी जो भी इसके बाद का जो 11 क्वेश्चन है हमारा, कल के 2-3 क्वेश्चन होंगे फिर एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये जो अभी क्वेश्चन पढ़ने वाले हम लोग
ये हमने एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बी बाय, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय होता है ना। ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट ही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बट इसमें तुमको एक चीज याद रखना, ये सब फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब किसका फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इतने पाँच से सात से आठ फॉर्मूले जो तुमको याद होना चाहिए, तो ही सॉल्व होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में यूज नहीं है उसका, ये सिंपल क्वेश्चन बोला है। क्या बोला उसने कि अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारा, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, देन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा हमको निकालने का है। कोई दिमाग लगा रहा होगा, बोले भैया उतना बड़ा मैं सॉल्व नहीं करना चाहता है ना, फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे सॉल्व करूंगा, हो जाएगा सॉल्व वो कि नहीं होगा, फैक्टर से नहीं होगा, ठीक है फॉर्मूला से हो सकता है, फॉर्मूला से नहीं होगा तो किससे होगा, कंप्लीटिंग से, हो सकता कि नहीं हो सकता। तो मैं ये दोनों के रूट निकालूंगा, दोनों को प्लस करके लिख दूंगा, और दोनों को क्या करके लिख दूंगा, माइनस, ठीक है। बट उतना बड़ा तुम जब तक प्रोसेस करोगे, इसका दो फॉर्मूला खत्म हो जाएगा तुम्हारा आंसर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, चार लाइन में आंसर खत्म होगा। तुम तब तक छह लाइन से आंसर निकालोगे, फिर दो लाइन आगे करोगे, उससे पहले तुम्हारा आंसर ऐसे वैसा भी सॉल्व करेंगे तो भी सही रहने वाला है, बट बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। पहले रूट निकालोगे, सॉल्व करोगे, फिर एक एक की वैल्यू अल्फा मानोगे, एक को क्या मानोगे बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, उतना करने से बढ़िया कंपेयर करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और खत्म करें, ठीक है। गिवन इक्वेशन इज क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव इक्वल टू कंपेयरिंग अबोव इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ए कितना है हमारा, बी कितना है, और सी कितना है, गिवन क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन गिवन इक्वेशन क्या हमारा क्वाड्रेटिक है, उसके क्या वो रूट्स है, क्या है, ठीक है। वी नो दैट, वी नो क्या पता है हमको कि अगर दोनों रूट का क्या करूंगा मैं सम, क्या करूंगा, तो आंसर क्या होता है मेरा, माइनस बी बाय, क्या होता है, v कितना है तो माइनस सिक्स हो गया, a कितना है तो टू वन जा टू थ्री जा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, आ गया माइनस बी बाय। नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c कितना है और a कितना है, तो क्या आ गया, खत्म आंसर, समझा कि नहीं, अरे समझा ना, सिर्फ ये याद रखना है हमको, माइनस बी बाय और सी बाय, और कैसे भी आया था वो भी बताया हूँ मैंने, किसी को दिक्कत होगा तो सेक्शन नंबर शायद से टेंथ हो, है ना, हाँ जो भी हो, नेचर ऑफ फ्रूट करके जब मैंने टॉपिक समझाया हो, नेचर ऑफ फ्रूट करके, तो उसी में बताया कि माइनस बी बाय और सी बाय कैसे आता है, फॉर्मूला मेथड के ऊपर डिपेंड हो, किसके ऊपर डिपेंड है, फॉर्मूला मेथड। चलो सेकेंड वाला क्या है इसमें का, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया पढ़ा बढ़िया पढ़ा। क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है मेरा, ये एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस के इक्वल टू इज सेवन। अच्छा उसका मतलब कोई बता सकता है, हाँ बता भाई, सुजल बोल देंगे, सुजल ने बोला ना, हाँ तो बता ना, हाँ छोटी बोलो, हाँ सेवन जो एक्स, ये तो सही है, सेवन किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। मैं बोल रहा हूँ कि इसका मीनिंग बताओ, डिफरेंस बिटवीन और सेवन का क्या रिलेशन है उसमें, वो तो मेरे को पता, सेवन इसका क्या है, रूट है, हाँ तुमने हाथ नहीं खड़े किया ना, हाँ बताओ ना हाथ खड़े क्यों, हाँ जो इक्वेशन के क्या है,
फ्रूट्स है उनका अगर क्या करोगे तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा समझा। अगर दो ये इक्वेशन दिया है, ये 7 इसका रूट नहीं है, ठीक है। उसने कहीं मेंशन किया है क्या कि भैया ये सब बोला है कि वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 7? क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, इसके एक्स की वैल्यू जो भी आएंगी, एक्स की वैल्यू उन दोनों का जब माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 7। मतलब अल्फा माइनस बीटा करोगे तो आंसर कितना आएगा। अब रूट हमको नहीं पता, तो जब भी इस चैप्टर में ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हरदम रूट मानना अल्फा और बीटा। क्या रूट मानना? अल्फा और बीटा, एक मान लेना अल्फा और एक मान लेना गिवन इक्वेशन इज, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस, डायरेक्ट लिखू मैं हियर, कंपेयर कर लेना ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। सी कितना आया, क्या आया हमारा, लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन यही ना, गिवन इक्वेशन हमारा उसके क्या है, रूट्स है, वी नो दैट। अब हमको दो ही चीज पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का सम करे तो आंसर आता माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट करे तो सी बाय, है ना, प्लस करे तो माइनस बी बाय और प्रोडक्ट करे तो सी बाय। तो वही चीज निकाल रहा हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू कितनी है, ए कितना है, तो थर्टी कितना आया, अल्फा प्लस बीटा 13 कितना आया समझा। अब दोनों का प्रोडक्ट किए तो आंसर कितना आता है, सी बाय। सी कितना है, ए कितना है, तो कितना है वैल्यू गिवन, क्या गिवन है हमको कि भैया उसके रूट्स का तुम क्या करोगे, डिफरेंस क्या करोगे रूट्स का, तो आंसर कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7, ठीक है। मतलब अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा, अल्फा को हमेशा फर्स्ट कंसिडर करना, कितना कंसिडर करना, फर्स्ट, अल्फा फर्स्ट और बीटा, अल्फा माइनस बीटा कितना आया। अब बोलोगे हमको देखो क्वेश्चन में मेन किसके लिए निकालना है, के की, किसकी निकालना है, के की निकालना है, ठीक है। ऊपर वाली कंडीशन देखो, इसमें अल्फा इंटू बीटा में कितना आया, तो हम इसमें ना अल्फा इंटू बीटा लाएंगे, इसमें क्या लाएंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो अब देखो क्या करना है, स्क्वायरिंग करो दोनों साइड, क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन वी गेट दोनों साइड क्या किया मैंने, स्क्वायर, मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे किस फॉर्म में दिख रहा मेरा फॉर्मूला, ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस, ए मतलब क्या है अल्फा और बी मतलब, बस पटक दो उसके जगह, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 49, सही है। अब ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिख रहा है उनको पास में लाओ, उनको क्या लाओ। अब बोलेंगे भैया हमारे पास तो हर चीज की वैल्यू है, तुम्हारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू है तुम्हारे पास अल्फा इंटू बीटा की, बट इसकी वैल्यू है क्या, इसके तुम पटक भी दोगे तो के की वैल्यू निकल रही क्या, क्योंकि ये इसमें आ रहा है तो इसको पहले हटाना पड़ेगा, इसके जगह कुछ ऐसा टर्म लाओ जिसकी वैल्यू हमको पता है। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा हमारे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दो होता है, कितना होता है, एक होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, एक क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और एक होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब ये दोनों में से यूज कौन सा करना, हमारे को ए प्लस बी की भी वैल्यू पता है, ए माइनस बी की वैल्यू पता है, हाँ कि ना, नहीं पता है भाई, ए माइनस बी ये क्या निकाला है मैंने बैल, ये क्या ए माइनस बी, और ए प्लस बी वो इक्वेशन वन में पटका है, ये देख ए प्लस बी कहाँ पे इक्वेशन नंबर, दोनों की वैल्यू पता है हमको, तो हम अभी इसमें से कोई एक पटकना है, कोई मान लो अगर मैंने ये सेकंड रखा, क्या रखा,
इसके जगह क्या आएगा सेकंड, क्या आएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। तो मतलब ये वाला टर्म और प्लस टू ए बी वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसल, सिर्फ क्या बचेगा ए माइनस बी का इक्वल टू क्या रहेगा, मतलब वापस से हम कौन से टर्म पे जा रहे हैं ये वाले टर्म पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सेवन का स्क्वायर, मतलब कितना, मतलब ये हमको वैल्यू रखने की हम यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो क्या होंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और ये वाला टर्म जैसे का इक्वल टू क्या है मेरा, समझा कि नहीं, समझा ना, आप वैल्यू पटकते जाओ जिसकी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो निकाला हमने इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन में कितना है और अल्फा इंटू बीटा कितना है के, कितना है तो हो गया है थर्टीन का स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा कितना है के, अल्फा इंटू बीटा कितना है कहाँ से रखा मैंने फ्रॉम वन एंड फर्स्ट और सेकेंड से रखा, थर्टीन का स्क्वायर कितना होता है माइनस माइनस प्लस कर सकता हूँ दोनों को, क्योंकि दोनों कौन से टर्म है लाइक टर्म, के प्रेजेंट है दोनों के पास, इक्वल टू क्या हो गया मेरा ये माइनस उधर जाके और इसका साइन प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा नाइन में से नाइन गया और सिक्स में से फोर गया तो 120 हुआ, इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो गया फोर के। अब ये फोर मल्टीप्लाई therefore 120 upon 4 equal to क्या हो गया therefore k equal to क्या हो गया therefore the value of k is value of कितना, समझा कि नहीं, समझा ना, किसी को कुछ पूछना है तो तुम्हारा कल काम क्या है फॉर्मूले याद करके आओ, याद करके आओ, क्योंकि इसके बाद के जो भी हमारे क्वेश्चंस बचे वो सब फॉर्मूले बेस है, क्या है फॉर्मूला याद तो जमेंगे, अगर फॉर्मूला याद तो जमेंगे नहीं, ये टोटल तीन मार्क का क्वेश्चन पूछता है, कितने मार्क का, तीन मार्क का, इसमें से एक क्वेश्चन है जो चार मार्क लायक है, कितने मार्क लायक है वो जो उसमें टू पी स्क्वायर वाला देखो एक क्वेश्चन दिख रहा हूँ टू एक्स स्क्वायर माइनस टू पी प्लस क्यू, वो चार मार्क लायक है, बहुत हार्ड हार्ड नहीं है, उसमें समझता ही नहीं कॉमन क्या निकालना है हमको, ठीक है, अरे समझा बस, ठीक है।